किरदार को बदल बदल के ही किरदार निभाना पड़ता है। उसी तरह मैं इस समय अपने लुक को और अपने किरदार को बदल के कई फिल्मों में किरदार निभा रहा हूँ, तो शायद हो सकता है लोगों को लग रहा होगा कि लुक बदल गया, तो ऐसा कोई नहीं है, हम किरदार में रहते हैं हमेशा। हो सकता है किसी फिल्मों के किरदार में अभी हम चल रहे हैं। जी कई सारे लोग हैं जो मकान बदल देते हैं किराएदार के तौर पर, एक्टर वो है जो किरदार के हिसाब से लुक को बदलते हैं। जी भैया, क्या बताना चाहते हैं? बहुत सारी पोस्टर जो है धमाका ये है कि नंदलाल जी हैं प्रोड्यूसर, जिन्होंने आज ये बहुत बड़ा खुलासा किया, बहुत बड़ा धमाका किया है। कई सारे फिल्मों का मुहूर्त आज एक साथ किया है, कई सारे डायरेक्टर्स को लेके, उसमें से एक डायरेक्टर मैं भी हूँ, तो मेरी भी एक फिल्म है, कुशल मंगल मेरी एक फिल्म है जिसको आज जिसका मुहूर्त किया गया। आपके दो कलाकार और एक महिला कलाकार उसमें आप दिख रही हैं, तो कुशल मंगल एक फिल्म है, ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, बस एक टाइटल है जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश रहेगी। पीछे अमरीश भाई नजर आ रहे हैं हाथ में रोटी लेकर, जाहिर सी बात है, क्या बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब इंसान का कुशल मंगल खराब हो जाता है तो ऐसे रोटी के लाले हो जाते हैं। क्या बात है। अभी तो फिलहाल अमरीश जी और काजल यादव जी फाइनल है और आनंद है उसमें, और बाकी की कास्टिंग और बहुत जल्दी बताई जाएगी। लेकिन वो आनंद में नहीं हो, वो आप मैडम आप जरा बताइए, आप फिल्म का हिस्सा है इसमें? जी मैं सैया जी MBBS और दीवाने आपके। अच्छा, तो ये अमरीश भाई वाली फिल्म में आप नहीं हैं? जी। क्यों नहीं हैं आप मैडम? अभी नहीं, अभी हो भी सकती है ऐसा। अभी हाँ, वो सस्पेंस है। अमरीश भाई, बहुत सारी फिल्में एक साथ जो है मूर्त की जा रही है, इतनी सारी बड़ा मेगा इवेंट है ये मुझे लग रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट नहीं है, ये सच में एक बदलाव है, जो कि जब कभी एक फिल्में दो फिल्में बनाने में लोग डरते थे, आज ये भोजपुरी की कहा जाए कि बहुत बढ़ोतरी हो रही है, जो कि हमारे प्रोड्यूसर नंदलाल पांडे जी, मैं पिछले भी एक फिल्म उनका किया था राजू मेरे राजा, कम्प्लीट है, और साथ ही साथ मैं इन सब मुहूर्त में 2 से 3 फिल्में कर रहा हूँ, और सच में बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही अच्छे इंसान है हमारे नंदलाल पांडे जी। साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्री के अलग अलग अच्छे डायरेक्टरों को चुना है अच्छी कहानियों के साथ, तो आई होप सारी फिल्मों की शूटिंग 15 अप्रैल से शुरू होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। किरदार के बारे में आपको बताया गया है, अमरीश जी क्या किरदार है आपका, किस किस्म का किरदार है? हाँ बिल्कुल, कहानी पे वर्क चल रहा है, जिस तरह से हमारे डायरेक्टर हमारे चहेते विष्णु शंकर बेलू जी ने हमें कहानी बताई है कि कुशल मंगल, तो बिल्कुल हर समय हर किसी का कुशल और मंगल नहीं हो सकता, और उस कुशल और मंगल के पीछे कोई ना कोई राज होता है, और उस राज को मद्देनज़र रखते हुए मैं उस किरदार को निभा रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों को सिनेमा में देखने को मिलेगा कि इंसान का कुशल मंगल कब और कैसे सही से खराब और खराब से सही होता है। नहीं नहीं, फिल्म की जो तैयारी है मेरी अप्रैल एंड में यूपी में करेंगे।
जगह भी डिसाइड नहीं है, लेकिन शूटिंग उत्तर प्रदेश में। क्लास तमाम लोग हैं, पहले तो ढेर सारा शुभकामना कि आप लोग आए, अरे भैया को ढेर सारा शुभकामना कि नौ नौ फिल्मों का मुहूर्त कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को मेरा प्रणाम है, और मैं नंदलाल आर पांडे, और बोलिए क्या बोलना है तो बोलिए। इतनी फिल्मों का मूवी कर रहे हैं आप, मतलब खुश तो आज बहुत होंगे। खुश तो आप लोग को होना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम और खुश होंगे, डबल खुश होंगे। आप लोग साथ हमारा देंगे, आप लोग हमारा साथ देंगे तभी ना। किस तरह के साथ की उम्मीद कर रहे हैं हमसे आप, हम लोगों से आप किस तरह के साथ की उम्मीद कर रहे हैं, जरा खुल के बताइए। बस हमारा सपोर्ट करिए आप लोग। अच्छा, इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, फिल्म बनाने में। और आप लोग का विचार रहेगा तो इलेक्शन भी ले लेंगे। मैं अपना विधानसभा अध्यक्ष हूँ डिंडोसी से, बीजेपी से। अच्छा, हाँ, आप लोग का बैकग्राउंड है। हाँ, तो आप लोग के समय में तो आप इलेक्शन में बेस्ट हो जाएंगे, फिल्म कौन बनाएगा? फिल्म तो हम शूट में बहुत कम जाते हैं, बाकी सब डायरेक्टर ही हमारे देखते हैं। अच्छा, मतलब आपकी व्यस्तता जो है वो कम रहती है। हाँ हाँ, फोन पे काम चल जाता है। बस फोन पे ही काम चलता है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये मेरी जिंदगी में 22 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रोड्यूसर मिला जिसने बोला कि आपको नौ फिल्म में रहना है। तो इसके लिए नंदलाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का हमेशा सपोर्ट रहता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी जितनी भी सिनेमा हो उसको आप अच्छे से पब्लिसाइज करें, ताकि पब्लिक जो है इनका सिनेमा देखे और अच्छी सिनेमा बने। ये नंदलाल जी पहले भी सिनेमा बना चुके हैं, और इस बार इन्होंने कुछ नया किया है, तो बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ये तो सब जानते ही हैं। बता दीजिए फिर से, क्या मेरी जानकारी है? मैंने पहली फिल्म बनाया था प्रेम रोगी। अच्छा। उसके बाद दीवाना तेरे प्यार में, और तुमसे मिलने की तमन्ना, और मामा भांजा बनाए थे मैंने, और बहुत से टाइटल है याद नहीं है हमको, कुल टोटल 11 फिल्म है। हाँ, टोटल 11 फिल्म है हमारी, 11 फिल्म बना चुके हैं, ये मतलब 20 का आंकड़ा पूरा। जी, मैं दो फिल्म कर रहा हूँ, सैया जी एमबीबीएस, अरे दिल में है प्यार तेरा, और नंदलाल भैया के साथ इससे पहले एक फिल्म किया था तुमसे मिलने की तमन्ना है, जो कि बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत जल्द सिनेमा घरों में देखने को आप लोगों को मिलेगा। कौन सी फिल्म पहले जाएगी? इसमें सबसे पहले जा रहा है लमसम 15 अप्रैल के अराउंडिंग सैया जी एमबीबीएस, क्योंकि उसका म्यूजिक से लेकर स्क्रिप्ट से लेकर हर चीज़ लॉक है। स्टारकास्ट फाइनल है उसमें? स्टारकास्ट ऑलमोस्ट में फाइनल है, लेकिन नाम अभी शो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ आगे पीछे चल रहा है बातें। अच्छा, तो ये सारी फिल्में जो हैं जा रही हैं एक साथ, बड़ा मुश्किल काम होगा इन सबका कोऑर्डिनेशन भी देखना। नहीं, कोऑर्डिनेशन क्योंकि नंदलाल भाई का प्लानिंग जो होता है ना, जो इनका प्लानिंग होता है बहुत अच्छा होता है, और ये एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, कह सकते हैं कि इनका प्लानिंग हमेशा से कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, इनका प्लानिंग बहुत अच्छा रहता है। फिर मैं मई में 14 फिल्म का मुहूर्त कर रहा हूँ महाराष्ट्र, वहाँ पे बनारस में। हाँ, पंडित जी से मैंने कहा, पहले इनका प्लान छह ही था, मेरा पहले का 6 ही था, सात से वो आंकड़ा दिखाया, उसके बाद बोले कि नहीं 9 करना। नहीं भाई, 3 महीने में मूवी बनेगी, आप 1 साल की बात कर रहे हैं। एक बार दो फिल्म जा रहा है, एक सेट पे दो फिल्म जाएगी हमारी, दो डायरेक्टर जाएंगे। आपको किसी ने बताया कि आप भोजपुरी फिल्म के रजनीकांत? हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पहली बार हो रहा है, इसलिए है आप लोग का आशीर्वाद है इसके वजह से। पूरी 3 महीने में आपको हम फिर बताएंगे, और भूषण जी तो साथ में रहेंगे हमारे हर फिल्म में। अच्छी फिल्म है, अच्छी कहानी है, मास फिल्म है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मसाला है इसमें। ये बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत माल है इनके पास। हाँ,
मेरे दोस्त भी हैं और एक्चुअली मैं बता दूं, नंदलाल भाई का शुरू से एक सपना था कि हम तो हमेशा बैठते थे तो हमेशा मुझसे कहते थे कि भाई कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ये मेरी भाषा है, अपनी भाषा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं इतना कहूँगा, सबके बीच कह रहा हूँ, आज अपनी भाषा के लिए आप कर रहे हैं नंदलाल भाई, मुझे रियली बहुत खुशी हो रही है। इसके पहले भी इन्होंने 4-5 फिल्में बनाई हैं और अब ये नहीं, मुझे नहीं लगता गाड़ी रुकने वाली है, क्योंकि गाड़ी दौड़ चुकी है गाड़ी। सर अवधी बनेगी, अवधी अवधी से ही तो भोजपुरी है। अरे अवधी भोजपुरी है कहते हैं। ये पूरी नगरी, ये बता दें आपको, प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी की नगरी है, क्योंकि चक्रवर्ती राजा वही थे और हम सब उन्हीं के सेवक हैं, ठीक है। उनकी भाषा ही अवधी थी, तो उससे बड़ी भाषा ही कोई नहीं है। देखिए कलाकार डायरेक्टर बताएंगे, प्रोड्यूसर बताएंगे तो ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी के जो भी मोस्ट ऑफ दिग्गज एक्टर्स हैं सारे होंगे इसमें, शायद ही कोई चेहरे छूटे हैं, हो सकता है किसी की डेट्स का प्रॉब्लम हो तो वो छूट जाएं, अदरवाइज सारे होंगे। 15 अप्रैल जी लॉक भदोही जी पहले भी मैंने शूट किया है नंदलाल भाई के साथ वहाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हाँ जी मैंने किया, राजू मेरे राजा जो नाम भूल रहा था मैं, बोला ना कहीं कहीं राजू मेरे राजा, बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ी प्यारी फिल्म है। हाँ उस फिल्म में मेरे साथ जीतू शुक्ला जी भी थे, तो बाप का किरदार किया उन्होंने, मैं इतना कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा अच्छा रोल उन्होंने किया। एक्चुअली वो दूसरी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि फिल्में दूसरी भी हैं, तो वहाँ वो मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, बनारस में पांडे जी के साथ काम करने का अनुभव जी आपका कैसा हुआ था? बहुत अच्छा, कोई अरे भाई फाइट तो सुपर करते हैं। फाइट तो सवाल मेरा लगता है, 9 फिल्म में आप दिखाई देंगे कहीं? नहीं सारी फिल्मों में दिखेंगे बींग अ प्रोड्यूसर। नहीं जब नंदलाल आर पांडे आएगा, भगवान का सीन रहेगा तो एक बार कर लूंगा दर्शन करने के लिए बस। मैं बता रहा हूँ नंदलाल आर पांडे दिखेगा ना, जब नाम आएगा ना तो अपने आप सबकी नजर में वो चेहरा आ जाएगा, मतलब नंदलाल भाई हर जगह दिखेंगे। बड़ी अच्छी फिल्म जो है, बड़ा अच्छा प्रयास है नंदलाल जी का, इतनी फिल्मों को एक साथ लेकर चलना एक अपने आप में एक साहस की बात है, और एक हमारे भोजपुरी के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है, और अच्छे कलाकारों के लिए भी एक बड़ा अथक प्रयास, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया कुछ बात ही कुछ अलग है, आज से नहीं, हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं भैया को, तो एक मजा आएगा काम करने में और आपको एक अच्छी फिल्म मिलेगी। सर मैं बूढ़ा नहीं हूँ, जो पर्दे पर दिखता वो जवान रहे तो ही अच्छा है। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रोड्यूसर नंदलाल पांडे जी को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जहां भोजपुरी में प्रोड्यूसर को एक फिल्म बनाने में दिक्कत होती है, वहां पे 9 फिल्मों का उन्होंने मुहूर्त कर रहे हैं और बहुत जल्दी अप्रैल फर्स्ट वीक से ही फ्लोर पे जा रहे हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद तो ऐसे ही है। जी मैं सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी, और मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि मैं इन मूवीज में किसी न किसी मूवी का एक हिस्सा बनूं और काम करूं साथ में। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस साल में कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिला एज अ इंडियन, कि जहाँ पे मोदी जी ने, अभी चुनाव भी आ रहा है आप सब जानते हैं, तो मोदी जी एक नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं जो हमें देखने को मिल रहा है, तो वी आर वेरी लकी। सो बी हियर। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, और खुशी की बात है बिकॉज ऑफ पहले भी मैं सर के साथ काम कर चुकी हूँ पांडे जी के साथ, और इतनी बड़ी मतलब मोहरत रखा गया 9 फिल्में, और सब सच में अचंभे की बात है, और मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में एक लहर दौड़ पड़ी है वर्क का, तो बहुत अच्छी बात है, और मैं इस फिल्म का हिस्सा बनी हूँ, इन मोहरत का हिस्सा बनी हूँ, तो मेरे लिए तो और खुशी की बात है। मैं इन फिल्मों में 2 फिल्में कर रहा हूँ, बिटिया गंगा मैया के बहू हमारी जान से प्यारी। अरे वाह, तो स्टार कास्ट अभी नहीं बताऊँगा, बाद में खोलूँगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा क्योंकि बहुत लोग हैं। इसीलिए मैंने सस्पेंस रखा है, किसी का फोटो नहीं डाला है। देखिए दुल्हन भी है तो घूंघट में है, ढूंढते रहो कौन है वो, अब बिटिया दो देख ही रहे हैं। बाहुबली वाला लग रहा है। हाँ नहीं, हमारी गंगा माँ है जो अपने हाथ
से बिटिया को बचाई हुई हैं। तो वो गंगा जी में है तो बाहुबली समझिए, बिटिया गंगा माँ को समझिए, बात तो एक ही है जी। नहीं नहीं नहीं, 2500 पोस्टर बन चुके हैं सर। नहीं, इससे पहले। अच्छा, जितनी बार आप आए हैं। इसके बारे में आप बताना चाहते हैं कुछ? एक्चुअली स्टोरी लाइन तो मैं बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से मैं अभी जो सिनेमा बना रहा हूं, तो मैंने मेरा प्रयास है कि मैं पारिवारिक और भक्ति लोगों को मैंने हर फिल्म में अपने जोड़ रहा हूं कि भक्ति और परिवार, जहां जैसे बहू हमारी जान से प्यारी, मैंने कोशिश की है कि जिस तरह से देखिए सास भी माँ होती है, लेकिन इस समय भोजपुरी में बड़ा थोड़ा सा अलग अलग ऐसे टाइटल्स आ रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को अच्छा करने के लिए कि हमारी सास अपनी बहू को बेटी की तरह मानती है। तो मेरा प्रयास हुआ है कि हम अच्छाइयाँ दिखाएं, ये ना कि तोड़ने का काम करें, जोड़ने का काम करें। पूरा भोजपुरी सिनेमा आजकल इसी प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन यूपी बिहार में अभी भी तलाक और दहेज के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बात तो सही है, लेकिन सभी लोग बात करते हैं दहेज की, लेकिन हम सिनेमा के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आनंद इधर ध्यान दो तो मैं बोलूँ, ठीक है? अगर हम सिनेमा के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि दहेज जो है एक अभिशाप है हमारे देश में, ठीक है? छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो या मध्यम वर्ग हो, जो दहेज सब, अभी अंबानी जी का देख लीजिए, सबका देख लीजिए, तो दहेज सब जगह दिया जा रहा है जी। तो हमारा कोशिश है कि फिल्म के माध्यम से भाई अच्छा एक बहू अच्छी मिले, एक बेटी मिले जो आपके परिवार को संभाले, आप लोगों की बुढ़ापे में देखभाल करे। दहेज से क्या होता है, कितना दिन चलेगा वो, तो यही प्रयास है कि खत्म हो जाए। कुशल मंगल क्या किरदार है आपका, बताया गया है विष्णु शंकर वेणु जी से कर रहे हैं, साथ दे रहे अमरीश जी, साथ दे रहे हमारा, और काजल यादव हीरोइन है, प्रोड्यूसर हमारे नंदलाल जी है। कहते हैं कि सुख तो हमेशा आएगा ही आएगा और दुख भी आता ही है, लेकिन दुख के साथ अगर सुख भी आए तो वो भी चलता है, लेकिन एक पहलू होता है कि जब बहुत कुछ आ जाए आपके पास में तो धैर्य रखना चाहिए और आनंद देना चाहिए, और दुख आए तो उस चीज़ को ये सोचना चाहिए कि उस वक्त क्या था और इस वक्त क्या है। इसीलिए फिल्म का नाम है कुशल मंगल। अभी तो शुभकामनाएं देने आया हूँ, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, अभी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि चलो नौ फिल्में बन रही है, भोजपुरी के लिए अच्छी बात है। अच्छा, इतनी अच्छी कलाकार साथियों को, टेक्नीशियन टीम को काम मिलेगा। बिल्कुल 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 सर। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? शुभकामनाएं हैं, कॉपी पेस्ट मार दीजिए। नए नए कलाकारों को काम मिले। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कुछ नए कलाकारों को भी मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है अगली जो 14 बनेंगी उनमें नए कलाकारों का नंबर होगा। 14 है आगे 14 क्या बात तो 14 की भाई, 14 से 15 आइए, 16 आइए, आपने एकाएक एकदम नई न्यूज दी है भाई। यहाँ तो अभी मुझे 9 के बाद 14 वाला है भैया। अच्छा, 9 के बाद 14 का जो नंबर है 14 में। अच्छा, 14 में, वेरी गुड।